हेलो फ्रेंड्स, मैं जगमाल स्वामी आप सभी का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वेस्ट बंगाल CHO वैकेंसी से रिलेटेड जुड़ी हुई अपडेट है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, वेस्ट बंगाल की CHO की वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। और इस पोस्ट जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है, 1203 पोस्ट पे वैकेंसी होने वाली है। और दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही प्रेस टू बेल आइकन, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ आपको आपके लिए इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की नर्सिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वैकेंसियाँ, चाहे वो CHO हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी प्रकार की वैकेंसियाँ इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में, वेस्ट बंगाल CHO की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आफ्टर सक्सेसफुली कम्प्लीशन ऑफ CPCH कोर्स, यानी कि इसके अंदर आपको जो CCH का कोर्स है वो भी आपको करवाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, बात करें कि इसके जो फॉर्म हैं वो 16 जून से लेके 30 जून तक भरे जाएंगे, यानी कि जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 30 जून तक इसके फॉर्म, 30 जून है, 30 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। बात करें दोस्तों की क्या फ़ीस है रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए, कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो वो एप्लीकेशन फ़ीस है वो दोस्तों 100 रुपीज़ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 50 रुपये रहने वाली है सभी प्रकार की रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों, ऑनलाइन मोड लिया जाएगा, ऑफलाइन कोई भी नहीं लिया जाएगा। साथ ही बात करें दोस्तों कि आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करना है, दोबारा आपसे पेमेंट नहीं करना है, नॉन रिफंडिंग पेमेंट होगा। नेक्स्ट ऑन बात करें कि दोस्तों इसकी जो क्या पोस्ट रहने वाली हैं, कितनी पोस्ट हैं दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी है ये है पोजीशन, आप देख पा रहे होंगे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग का है, सब सेंटर सुस्वास्थ्य केंद्र पर आपको इसकी पोस्टिंग मिलेंगी। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी, 1203 पोस्ट पे वैकेंसी होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों SC की हैं 330, ST की हैं 90, OBC फर्स्ट की रहने वाली हैं वो दोस्तों 150, OBC से B की रहने वाली हैं वो हैं 105, जनरल की जो पोस्ट हैं वो हैं 483 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली है। और साथ में बात करें PWD एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो पोस्ट हैं वो 45 पोस्ट पे वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट में बात करें कि दोस्तों सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, तो सैलरी है इसमें 20,000 आपको पर मंथली सैलरी मिलेगी। साथ ही बात करें जो इंसेंटिव है वो ओनली 5,000 रुपये मिलेगा, यानी कि जो अदर स्टेट में जो 15,000 रुपये इंसेंटिव होता है, सैलरी 25 होती है, वो इसमें कम कर दिया गया है। और ये इसमें जो है देखने को मिलेगा वो है 25 टोटली मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम इंसेंटिव है वो 5,000 तक का मिलेगा। साथ ही बात करें दोस्तों असेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको इसमें देखने को मिलेगा BAMS पास आउट किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। साथ ही बात करें तो जो कैंडिडेट आयुर्वेद हैं, आयुर्वेद पास आउट हैं, वो उनको दोस्तों वेस्ट बंगाल आयुर्वेदिक काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, वेस्ट बंगाल आयुर्वेदिक काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही बात करें कि रेजिडेंस भी मांगा है इस वैकेंसी के अंदर बंगाल का। और साथ ही बात करें कि राइट एंड स्पीक इन बंगाली, यानी कि आपको बंगाली लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। साथ ही बात करें जो एज लिमिट है वो बात है दोस्तों, इसमें 40 ईयर तक के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें एज रिलैक्सेशन में भी छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, तो दोस्तों सिलेक्शन है वो सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग थ्रू द मेरिट लिस्ट, यानी कि परसेंटेज बेस पे वैकेंसी होने वाली है, इसमें कोई अभी एग्ज़ाम नहीं है। और साथ ही इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। तो दोस्तों जो स्केल ऑफ स्कोरिंग है वो बता देता हूँ, 85% है वो आपको एकेडमिक रिजल्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर 15% है वो माध्यमिक का लिया जाएगा, यानी कि 10th का लिया जाएगा, 20% लिया जाएगा वो 12th का लिया जाएगा। साथ ही बात करें जो 50% है वो दोस्तों लिया जाएगा BMS स्कोर का, यानी BMS की परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। साथ ही बचे जो दोस्तों 15% है वो वाइवा होंगे, यानी कि 15% का इसमें वाइवा देखने को मिलेगा। ये था दोस्तों इसके बारे में सिलेक्शन क्राइटेरिया। और दो इसमें जो CPCH का यानी कम्युनिटी पब्लिक कोर्स करवाया जाएगा वो कम्युनिटी प्रोग्रामिंग ऑन कम्युनिटी हेल्थ पे जो आपको कोर्स करवाया जाएगा वो 4 मंथ का कोर्स मिलेगा, 4 मंथ तक करवाया जाएगा। साथ ही बात करें उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट ऑन बात करें कि
एप्लीकेशन है वो सिर्फ ओनली और ऑनलाइन सबमिट होंगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन है। साथ ही बात करें सिग्नेचर और फोटोग्राफ नोट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेल आल्सो लाइबल टू बी कैंसिल। अगर आपने अपलोडेड नहीं किया तो आपको फॉर्म कैंसिल हो सकता है। साथ ही बात करें दोस्तों अगर आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन बात करें जो हार्ड कॉपी है फॉर्म की वो है आपको रखनी है और प्रिंट आउट निकाल के रखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, क्योंकि वो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएगा। और जो जिनके पास नहीं होगा दोस्तों उसको इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा, तो आपको इसका जो हार्ड कॉपी है वो भी आपको इसका रखना है। और साथ ही बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नो शुड बी रिटेंड बाई ऑल एप्लीकेशन फॉर फर्दर रेफरेंस एम्प्लॉइज नॉट लाइबल टू गिवन रिगार्डिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन नो फॉर्म। और जो बात करेंगे दोस्तों जो वैकेंसी है इसकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो बता देता हूँ मैं। स्टार्टिंग डेट है वो हो चुकी है, यानी 11 जून से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, सॉरी 16 जून से इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो दोस्तों 20 जून है थी, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस है वो दोस्तों इसमें 25 तारीख रखी गई है, यानी कि 25 जून तक आप इसके यहाँ वो फीस सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन है वो दोस्तों 30 जून तक मिडनाइट करना है। और दोस्तों आपका जो इसमें फीस का है वो दोस्तों क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से होगा, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक बार फॉर्म फिलअप जाए फाइन सबमिशन हो गया है आपका पेमेंट कट चुका है तो आपको दोस्तों दोबारा से नहीं करना है, वो ऑलरेडी हो चुका है, और आपको रिवर्ट बैक आके अपना रजिस्ट्रेशन पे आपको फॉर्म को कम्प्लीट करना है। ये थी दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल्स। और जो दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट है वो आपको बता देता हूँ www.wbhealth.gov.in पर जाके आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज एक वेस्ट बंगाल CHO की वैकेंसी। तो दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर नर्सिंग से रिलेटेड कैंडिडेट्स को नहीं लिया गया है, यानी कि BSc नर्सिंग और JNM को नहीं लिया गया है, ओनली फॉर BMS कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, साथ ही दोस्तों चैनल पर जुड़े नहीं हैं चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए सभी प्रकार की नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसियाँ लेके आता रहता हूँ, मेडिकल से रिलेटेड वैकेंसियाँ लेके आता रहता हूँ, चाहे दोस्तों CHO हो चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो या लैब टेक्नीशियन हो, सभी प्रकार की वैकेंसियाँ मैं चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की ये थी वैकेंसी इसके बारे में। तो दोस्तों थैंक यू।